Now we have to start with the balancing of ledger account. ये जो ledger account है, इसका भी balancing करना है. Cash account जो है, cash account का debit side greater है. Cash account का debit side greater है. तो cash account का debit side total 11,300. Cash account debit side total 11,300. इसको सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लेना है और ये 11,300 में से ये क्रेडिट साइड माइनस करना है. फ्रॉम दिस 11,300 यू टू सब्ट्रैक्ट द कैश अकाउंट क्रेडिट साइड. जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा रिमेनिंग अमाउंट है 8,975. कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल है 11,300. ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लिखा है. फ्रॉम 11,300 ये कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड माइनस किया है. तो 11,300 में से ये कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल ये माइनस किया है. रिमेनिंग अमाउंट है 8,975. इसको डेट कितना है? जनवरी मंथ का लास्ट डेट 31. जनवरी का लास्ट डेट 31. पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय बैलेंस कैरिड डाउन. जनवरी का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अमाउंट है 8,975. 8,975. इसको अपोजिट साइड पे लेना है. ये बैलेंस कैरी डाउन इसको अपोजिट साइड पे लेना है. नेक्स्ट मंथ फेब्रुवरी डेट 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,975. कैश अकाउंट जो है कैश अकाउंट का डेबिट साइड टोटल है 11,300. ये सेम लाइन में क्रेडिट साइड भी है. 11,300 में से ये कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड माइनस किया. तो 11,300 में से ये कैश अकाउंट क्रेडिट माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट आया 8,975. 8,975 इसको डेट लिखा जनवरी मंथ का लास्ट डेट 31. पर्टिकुलर्स में लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन. अपोजिट साइड पे लिखा है फेब्रुवरी 1st. जनवरी के आगे का नेक्स्ट मंथ फेब्रुवरी डेट 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,975. नेक्स्ट अकाउंट है राजूस कैपिटल अकाउंट. तो राजूस कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 10,000. ये सेम डेबिट साइड पे लिखना है. डेबिट साइड पे अमाउंट कॉलम में 10,000. जनवरी का लास्ट डेट 31. पर्टिकुलर्स में लिखना है 2 बैलेंस कैरी डाउन. ये बैलेंस कैरी डाउन को अपोजिट साइड पे लेना है. फेब्रुवरी 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000. तो राजूस कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल 10,000. ये सेम डेबिट साइड पे लिखा है. ये सेम अमाउंट डेबिट साइड पे अमाउंट कॉलम में लिखा है. जनवरी का लास्ट डेट 31. पर्टिकुलर्स में लिखा है 2 बैलेंस कैरिड डाउन. और ये बैलेंस कैरिड डाउन को अपोजिट साइड पे लिया है. फेब्रुवरी 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट अकाउंट है नाइक अकाउंट. नाइक अकाउंट का डेबिट साइड है 500. नाइक अकाउंट डेबिट साइड 500. ये सेम क्रेडिट साइड लिखना है. ये 500 में से 300 को माइनस करना है. रिमेनिंग अमाउंट 200.
डेट कितना है 31, ये जनवरी मंथ का लास्ट डेट, पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस कैरी डाउन जो है इसको अपोजिट साइड लेना है फेब्रुवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। नाइक अकाउंट जो है, नाइक अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 500, ये सेम क्रेडिट साइड पे लिया है, 500 में से ये 300 माइनस किए तो 500 में से 300 सब्ट्रैक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट है 200। इसको डेट लिखा है जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अपोजिट साइड पे लिया है फेब्रुवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड है 2000, ये सेम क्रेडिट साइड लिखना है, ये 2000 में से ये 1500 माइनस करना है, रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 500। जनवरी का लास्ट डेट 31, पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस कैरी डाउन को अपोजिट साइड पे लेना है फेब्रुवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। गुड्स अकाउंट जो है, गुड्स अकाउंट का डेबिट साइड टोटल, डेबिट साइड टोटल 2000, ये सेम क्रेडिट साइड पे लिया है, ये 2000 में से ये 1500 माइनस किए, रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 500। इसको डेट लिखा है जनवरी का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, और इसको अपोजिट साइड पे लिया है फेब्रुवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। नेक्स्ट अकाउंट है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट का डेबिट साइड है 100, ये सेम क्रेडिट साइड पे लेना है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट कॉलम में 100, डेट लिखना है 31, पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको अपोजिट साइड पे लेना है फेब्रुवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100। ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है, ड्रॉइंग्स अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 100, ये सेम क्रेडिट साइड में लिखा है, ये सेम अमाउंट क्रेडिट साइड में अमाउंट कॉलम में लिखा है, जनवरी का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अपोजिट साइड पे फेब्रुवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 200, ये सेम क्रेडिट साइड पे लेना है, क्रेडिट साइड पे अमाउंट कॉलम में 200, जनवरी का लास्ट डेट 31, पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस कैरी डाउन, अपोजिट साइड फेब्रुवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200। सैलरी अकाउंट जो है, सैलरी अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 200, ये सेम क्रेडिट साइड पे है, सेम अमाउंट अमाउंट कॉलम में लिखा है, डेट जनवरी का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अपोजिट साइड पे है फेब्रुवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट का डेबिट साइड है 25, ये सेम क्रेडिट साइड पे लेना है, सेम अमाउंट अमाउंट कॉलम में लिखना है, जनवरी का लास्ट डेट 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन, अपोजिट साइड पे फेब्रुवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25। कमीशन अकाउंट जो है,
कमीशन अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 25, सेम क्रेडिट साइड पे है, अमाउंट कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखा है 25, जनवरी का लास्ट डेट 31, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, अपोजिट साइड पे फरवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 25. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द नेट ट्रायल बैलेंस. नेट ट्रायल बैलेंस इसमें ये 7 लेजर अकाउंट्स के नेम्स है. पहला अकाउंट है कैश अकाउंट. तो ये जो कैश अकाउंट है, इस कैश अकाउंट में आपने फरवरी 1st को लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 8975 कैश अकाउंट में फरवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8975. ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपका डेबिट साइड पे 8975, ये अमाउंट डेबिट साइड पे, तो आपको कैश अकाउंट के सामने ये नेट ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिखना है 8975. कैश अकाउंट में फरवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8975, ये फिगर आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिखना है. राजूस कैपिटल अकाउंट. राजूस कैपिटल अकाउंट में फरवरी 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये जो अमाउंट है 10,000, फरवरी 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, ये राजूस कैपिटल के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखना है. ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये क्रेडिट साइड पे, एंड बिकॉज ये क्रेडिट साइड पे, इसके लिए अमाउंट आपको क्रेडिट कॉलम में लिखना है. नाइक अकाउंट में फरवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 200, ये नाइक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये डेबिट साइड पे, तो बिकॉज ये डेबिट साइड पे, तो ये 200 रुपीज, ये 200 रुपीज आपको नाइक अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिखना है. गुड्स अकाउंट में फरवरी 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, गुड्स अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 500, ये डेबिट साइड पे, तो आपको गुड्स अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिखना है. गुड्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, ये नेट ट्रायल बैलेंस में गुड्स अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिखा है. ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस है 100, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो ड्रॉइंग्स के सामने डेबिट कॉलम में 100. ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस ये डेबिट साइड पे, तो फिगर आपका डेबिट कॉलम में. सैलरी अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 200, सैलरी अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन 200, ये डेबिट साइड पे, तो फिगर आपको डेबिट कॉलम में लिखना है. और लास्ट है कमीशन अकाउंट. तो कमीशन अकाउंट में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है 25, कमीशन अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है 25, ये डेबिट साइड पे, तो कमीशन के सामने डेबिट कॉलम में लिखना है. एंड देयर आफ्टर ये नेट ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट, ये टोटल आपको इक्वल करना है 10,000. नेट ट्रायल बैलेंस टोटल ये आपका इक्वल आता है. तो नेट ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम, इसका टोटल आपका है 10,000.